हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा दसवीं की, जो 2022-23 की प्रश्न बैंक आई है उसके बारे में। आप सभी को पता है कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी सब्जेक्ट की प्रश्न बैंक आ चुकी है। अब आपको उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करना है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी की बात करेंगे। कक्षा दसवीं की जो प्रश्न बैंक है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अच्छे अंक आपको लेना है तो प्रश्न बैंक का भी अध्ययन ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम जो 2022-23 में आपकी होने वाली है उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आने वाला वीडियो हमारा कक्षा 9, 10, 11, 12 किसी भी कक्षा का हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। तो अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का प्रश्न बैंक के बारे में यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसी सब्जेक्ट का वीडियो पहले लाने की कोशिश करूँगा। चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम प्रश्न बैंक की चर्चा करेंगे। तो जितने दोस्त हमारे नए जुड़ चुके हैं, जो भी हैं, आप जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रही आपकी प्रश्न बैंक 2022-23 की कक्षा दसवीं की हिंदी। सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, जल्दी से एक बार जोड़ लीजिए उनको भी। 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा, कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा ये पूरी यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन को, आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल। इसमें राइट आंसर आपका भक्ति काल होगा। दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक काल का आरंभ होता है, तो आधुनिक काल का जो आरंभ होता है वो होता है साथियों 1900 से। ठीक है, आगे बात करेंगे छायावाद के आदर स्तंभ कवि, तो ये हैं आपके आदर स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद। आगे बात करेंगे प्रयोगवाद के कवि, तो प्रयोगवाद के जो कवि हैं वे हैं अज्ञेय। नई कविता के कवि हैं वो हैं आपके रघुवीर सहाय। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से संवत 1700। इस प्रकार प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है 1943 से। नंद नंदन का प्रयोग किया गया है कृष्ण के लिए। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है, कैसी लगती है दोस्तों? कड़वी ककड़ी सी। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है, तो श्री कृष्ण की तुलना की है हारिन की लकड़ी से। व्याधि शब्द का अर्थ होता है रोग। सभी क्वेश्चन ये प्रश्न बैंक के साथियों आपकी, जिसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। सूर के पद में भाषा है, तो यह है आपकी ब्रज भाषा। साथियों, आगे भी मैं आपके लिए इसी प्रकार वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर जरूर करिएगा। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है? तो प्रेम संबंध की। सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। आगे बात करेंगे सूर के आराध्य हैं, ये हैं आपके श्री कृष्ण। पुरैनी पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। आगे बात करेंगे सुर की रचना नहीं है, तो इसमें से जो है विनय पत्रिका तुलसीदास की है, बाकी सब सूरदास जी की रचना है। इसमें राइट आंसर आपका दा होगा। परशुराम को व्यंग भर उत्तर दिए, तो ये दिए थे लक्ष्मण ने। आगे बात करेंगे शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे परशुराम। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। बिल्कुल दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था तो विश्वामित्र। सहस्त्रबाहु का वध किया था परशुराम ने। आगे देखिएगा, कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है भोली। थके पथिक की पंथा में अलंकार है, अनुप्राफ अलंकार है। आगे बात करेंगे छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला, मंगला पारितोषिक मिला था। चलिए आगे देखिएगा, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, तो
साये में धूप, ये नहीं है साथियों, बाकी सब है। उत्साह कविता में बादल प्रतीक है क्रांति का, ठीक है। आगे बात करेंगे, कवि ने बादलों की किसकी कल्पना के समान समान पाले हुए माना है, तो बाल कल्पना, ठीक है। कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है नवजीवन वाले। आगे देखिएगा, कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, तो आकाश को घेर कर, ठीक है, वह ऑप्शन आपका राइट होगा, आकाश को घेर कर। कवि ने तृप्त धारा के माध्यम से संकेत किया है जन सामान्य की पीड़ा। आगे बात करेंगे, ये दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक हैं, तो ये दंतुरित पाठ के जो लेखक है वो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सॉरी मित्रों, इसके तो हमारे नागार्जुन है, ठीक है, निराला नहीं, निराला हटाइए, नागार्जुन थे, ठीक है। राइट आंसर इसका नागार्जुन होगा। ये दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक जो है नागार्जुन है, ठीक है, निराला अलग थे। आगे देखिएगा, यहाँ पर खालिस्तान आप देख सकते हो, सूर की भक्ति वो थी साक्य भाव की। सूरदास जन्मांध थे, गोपी उद्धव को मानती थी बड़भागी। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरि की क्या है, लकड़ी। हरि पढ़ाए राजनीति, सूरदास का निधन हुआ रुणकता, ठीक है। आगे बात करेंगे, गोपियों ने मधुर संबोधन के लिए दिया, ठीक है, गोपियों ने मधुकर संबोधन दिया था उद्धव के लिए। सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि हैं, वात्सल्य रस के, योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रज आए थे उद्धव जी। चुवत टूट रघुपति ना दोसु, कतन का है लक्ष्मण का, ठीक है। अगला खालिस्तान देखेंगे, परशुराम स्वभाव से थे क्रोधी, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गाय गाय का वध नहीं किया जाता। तेरहवें में देखिएगा, व्यक्ति अपने प्रश्न स्वयं ही करते हैं कायर। परशुराम के गुरु भगवान शिव, कवि के सरल स्वभाव के कारण ने धोखा दिया किसने, तो इसमें आपका आ जाएगा कवि के सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने, ठीक है। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। निराला ने बादलों से का आग्रह किया बरसने का। आगे देखिएगा, निराला ने बादलों को के समान सुंदर बताया है, आंखों के समान। सॉरी, आंखों ने केशो मतलब बालों के समान सुंदर बताया था। उत्साह कविता की भाषा में संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है उत्साह, बिल्कुल। निराला की अधिकांश रचनाएं छंद में मिलती है। मुक्तक, द्विधाहत सास का शाब्दिक अर्थ है, सास होते हुए द्विधा ग्रस्त रहना। और हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा, ये आप जोड़ी देख सकते हो यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सूर के पद सूरदास जी से मिलाएंगे, उत्साह निराला से मिलाएंगे, राम लक्ष्मण निराला इसको मिलाइए आप, पहले राम लक्ष्मण परशुराम, तुलसीदास आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद, और उत्साह अट नहीं रही, ठीक है, अट नहीं रही उत्साह से मिला लीजिए, होगी जोड़ी। इसी प्रकार दोस्तों देखिएगा, हमारी जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो हमारी प्रश्न बैंक थी उसको देख सकते हैं आप, बहुत सारे यहाँ पर है क्वेश्चन आंसर। इसको मैं आपको हर टुकड़ों के अनुसार लेकर आऊँगा वीडियो, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बहुत बड़ी आपकी प्रश्न बैंक है। यदि ये हिंदी की प्रश्न बैंक आपको चाहिए
तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगी। इसके आंसर वगैरह मैं आपको रोज़ ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगा और आपको बता दूँगा, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिएगा इन प्रश्नों को, यदि आपको अच्छे अंक लेना है तो एक भी प्रश्न को मत छोड़िएगा, ठीक है। ये पूरी प्रश्न बैंक मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी प्रश्न बैंक है, इसके आंसर मैं आपको डेली बताऊँगा, ठीक है। जितने दोस्त पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है साथियों, इसके आंसर मैं ही बताऊंगा आपको, क्योंकि इस प्रश्न बैंक में आपको उत्तर नहीं मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगला वीडियो हमारा जल्दी ही आएगा, आपको मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।